नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी खास पेशकश जिसमें देख रहे हैं आप 23 में प्रदेश 24 में देश प्री इलेक्शन बुलेटिन, जिसमें इलेक्शन से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट आपके सामने रखते हैं। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव जी। लाखन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाखन सिंह जी, जाना चाहेंगे जिस तरह से 2018 में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली, लेकिन 15 महीने बाद ही वो सत्ता चली गई। उसके बाद अब एक बार फिर से 2023 की तैयारी में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लगने की कोशिश करती नजर आ रही है। 2023 के लिए किस तरह की रणनीति, क्या रोडमैप लेकर आप लोग चल रहे हैं? देखिए जयेश भाई, निश्चित तौर पर आपने ये सही कहा कि 2018 में हमें लंबे अंतराल के बाद सत्ता में हम लोग आए थे, लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से ये मध्य प्रदेश में जो जनता ने वोटों की सरकार बनाई वो नोटों की सरकार के रूप में परिवर्तित हो गई। और आज 2023 की पुनः फिर तैयारी है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 2018 में जो मध्य प्रदेश में आम आवाम ने जो वोटों की सरकार बनाई थी, और वो वोटों की सरकार जिन लोगों ने गिराई, जिस सरकार के द्वारा गिराई, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का इस बार का तमाम सारा आवाम, ये मध्य प्रदेश का तमाम सारा जनमानस 2018 का बदला लेने के लिए तत्पर है। और मुझे लगता है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा मध्य प्रदेश 2023 में कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। लागन सिंह जी, जो जिस तरह से आपने 2020 में जो वो घटनाक्रम हुआ जिसका आपने जयचंदों के रूप में जिक्र किया, उसके संदर्भ में जाना चाहेंगे, चूंकि ऑपरेशन लोटस था, उसके बाद कई सारे आपके ही साथी जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बाद एक बार फिर से अब चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं यहां से, उनके संदर्भ में क्या कहेंगे, चूंकि ये कोशिशें आगे भी लगातार होती रही हैं, और दावा तो ये भी हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह का डर कांग्रेस के भीतर भी है। एक मैंने नाम दिया जयचंद। ये जयचंद इस टाइप के इस धरती पर बहुत सारे समय समय पर आते रहते, बदलते रहते हैं, तो ये बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आगे भी ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता रहा है, कांग्रेस में भी होता रहा है, अन्य सभी दलों में इस तरह का आवाजाही लगी रहती है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कोई हो तो जहां तक मैं समझता हूं, हमारे दल की बात है, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में जिन लोगों को जाना था वो उस समय जब ये लोटस हुआ था उस समय शायद चले गए थे। लेकिन ऐसा मैं समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहा हूं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, मुझे उम्मीद नहीं है। फिर भी इस धरती पर किसी के बारे में कुछ कहना असंभव है। जिस इलाके से आप आते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और पिछली बार जब 2018 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, ये वो संभाग था जिसमें बड़ी ताकत कांग्रेस को मिली थी और यही वजह से सत्ता भी हासिल हो पाई थी, लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बदला जिसका मैंने जिक्र किया, और उसके बाद आज परिस्थितियां ये हैं कि बहुत सारे जो यहां के विधायक थे वो अब जा चुके हैं बीजेपी में। सिंधिया यहां पर एक बड़ा चेहरा थे, वो जा चुके हैं बीजेपी में। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े दिग्गज भी इस इलाके से आते हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में चुनौतियों को किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की? देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीट है। पिछले बार 2018 में जब चुनाव हुआ था तो 26 सीट कांग्रेस जीती थी। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने जिन नेताओं के नाम लिए, जो बड़े चेहरे के रूप में आपने जिनका नाम लिया, और भी अन्य तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ग्वालियर चंबल में निवास करते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जिस बड़े चेहरे की आपने बात की थी जी, वो बड़ा चेहरा ही खुद पार्लियामेंट में 1.5 लाख वोटों से बैकआउट हो गए थे। दूसरा ग्वालियर मेयर की सीट जो लगातार 57 साल से कभी कांग्रेस नहीं जीती बड़े चेहरे के नेतृत्व में, वो सीट 57 साल इस बार 57 साल बाद कांग्रेस पुनः जीती है। तो मुझे लगता है कि आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये बड़े चेहरे कितने ग्वालियर चंबल में कारगर हो पाएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लगातार मध्य प्रदेश हाल बेहाल हो गया। केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने सरकार के पहले, चुनाव के पहले बहुत सारे वायदे किए थे, 15-15 लाख की उन्होंने बात की थी, हजारों लोगों को नौकरियों की बात की थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी
बहुत सारे वायदे करते हैं। और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी ने जितने भी मध्य प्रदेश में उनके कार्यकाल में जितने भी अनाउंस किए विकास कार्यों के, आप उनका डाटा उठवा के देख लें, वो डाटा में आपको पता लग जाएगा 40-55% भी वो अचीव नहीं हुए। तो क्या ये मध्य प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है क्या, देख नहीं रही है? मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में मैंडेट दे दिया था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन मैंने कहा ना कि किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ लोगों के वजह से ये सरकार चली गई थी। और मुझे लगता है इस बार आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार बैठी हुई है, और मुझे लगता है कांग्रेस को इस बार पुनः घर, भारतीय जनता पार्टी को घर बिटाल के कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। कमलनाथ सरकार के दौरान पशुपालन विभाग आपके पास में था, और इस दौरान बड़े पैमाने पर गौशालाओं का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। वर्तमान में गौशालाओं के उन स्थितियों को लेकर, हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े करती रही है, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय और भगवान राम के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन उनके पिछले 18 साल के कार्यकाल में कभी भी मध्य प्रदेश में एक सिंगल गौशाला उन्होंने नहीं बनाई। जब मैं मध्य प्रदेश में, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे पशुपालन की जिम्मेदारी दी थी, उस समय मध्य प्रदेश में 9 लाख निराश्रित गौवंश था, जिसका इस धरती पर कोई धनु ड्योरी नहीं था, जो आवारा की स्थिति में रोड़ों पर, जंगलों में, खेतों में, किसानों के खेत में घूमता रहता था। आदरणीय कमलनाथ जी ने उस समय कहा था और मुझे बुला के कहा था कि लाखन सिंह, तुम कृषि स्नातक हो और तुम्हें जो है ऐसी स्थिति में हमारा जो निराश्रित गौवंश है, जो मध्य प्रदेश में 8-9 लाख रोड़ों पर घूम रहा है, इसका आपको प्रबंधन करना है। तो मैंने फर्स्ट फेज में, आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार, मैंने फर्स्ट फेज में 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में दी थी। और 1000 गौशाला देने के बाद फिर सेकंड फेज में मैंने जब कमलनाथ जी से बात की, तो सेकंड फेज में हमने 3000 गौशालाएं और दी। मध्य प्रदेश में 14 महीने में हमने 4000 गौशालाएं दी, और उसका उसके रिजल्ट ये आए कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा निराश्रित गौवंश गौशालाओं में हमने शिफ्ट किया जी। और जब से हमारी सरकार गई, आप खुद ब खुद चल के देख लेना, पूरे प्रदेश से ये जानकारी आ रही है कि जितनी भी गौशालाएं हमने बनाई थी 4000, एक भी गौशाला में कहीं भी निराश्रित गौवंश एक भी नहीं है। सारा का सारा गौवंश छोड़ रखा है, किसानों की फसल को चौपट कर रहा है, रोड़ों पर एक्सीडेंट हो रहा है, और इन सब मैंने खुद चिट्ठी लिखी पशुपालन मंत्री जी को, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जो गौशालाएं हमने बनाई थी, कृपा करके आप उनका संधारण तो करें जी। लेकिन आज तक ना वो मेरी चिट्ठी का जवाब आया, ना उसमें कोई अमल हुआ। अच्छा, तो निश्चित तौर पर हम लोग ने जी, जो 14 महीने का हमें समय मिला, हमने हर विभाग में अपने अपने काम करने का काम किया जी। ग्वालियर चंबल संभाग का हम जिक्र कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि सिंधिया के जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक बड़े चेहरे को लेकर एक रिक्तता नजर आती है। तो 2023 में जा रहे हैं आप मिशन के साथ में, चेहरा कौन होगा चंबल संभाग किससे, क्योंकि जयवर्धन भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी खासतौर पर फोकस करते हैं, आप भी उसी इलाके से आते हैं, चेहरा कौन होगा चंबल से कांग्रेस का? मैं आपको बताऊं, जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं, वो चेहरा के रिजल्ट आपने देख लिए हो, चाहे तो बाई इलेक्शन हुए हो, चाहे मेयर का इलेक्शन हुआ हो, पार्षद के इलेक्शन हुए हो, तो वो बड़े चेहरे की बात तो यहाँ मुझे लगता है वाइंड अप हो जाती है। सेकेंडरी आपने कहा कि कांग्रेस में कौन चेहरा, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी हमारे चेहरे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का किला फतेह करेंगे। कमलनाथ के काम करने का, उनके चुनाव के मैनेजमेंट का तरीका अलग है, वो लगातार अलग तरीके से काम करते हैं। एक भीतरी सर्वे कराने की बात उपचुनाव में कही थी, और उस सर्वे के संदर्भ में आपने कहा था कि इस तरह के सर्वे से कुछ नहीं होता, तो क्या ये वो जो बात थी उसको लेकर, चूंकि बहुत बयानबाजी भी हुई उस वक्त की, मनभेद है, मतभेद है, तो इस तरह से चूंकि वो सर्वे कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से खबर निकल के आ रही है कि इस तरह का सर्वे पार्टी के भीतर एक बार फिर से हो रहा है जी। देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का अपना वर्किंग स्टाइल अलग है और वो सर्वे पे भरोसा करते हैं, लेकिन सर्वे के साथ साथ मैं ऐसा मान के चलता हूं, वो धरातल पे भी हमें सारी चीजों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कमलनाथ जी काफी मैच्योर्ड लीडर हैं मध्य प्रदेश में और देश में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुझे लगता है वो जो भी डिसाइड कर रहे हैं या जिस ढंग से वो फील्डिंग कर रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं।
तो अगर इस बार कोई सर्वे आ रहा है तो उसके साथ आप हैं, क्योंकि उपचुनाव में तो आपने कहा था कि इस तरह के सर्वे से कुछ नहीं होता। उस समय जल्दबाजी का सर्वे था, लेकिन इस बार कमलनाथ जी को काफी समय मिला काम करने का, सर्वे कराने का, एमएलए के फीडबैक लेने का। कई जहां हमारे लोग एमएलए नहीं है वहां उन्होंने नीचे नेटवर्क तक लोगों को समझने का, व्यक्तिगत लोगों को बुलाने का, हर एंगल पे वो एनालिसिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो जो कुछ कर रहे हैं सारा का सारा कांग्रेस के और हमारे पार्टी के हित में होगा। 2023 के संदर्भ में आपसे मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं कि 2023 में क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं, लाखन सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, और भारत जोड़ो यात्रा जो ये 12 दिन यहां पर निकल रही है इसका कितना प्रभाव देखते हैं आप इस आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश में 12 दिन का राहुल जी का दौरा रहेगा, यात्रा रहेगी, और 12 दिन में वो बहुत कम इलाके में जा पाएंगे। मुझे लगता है 10% मध्य प्रदेश के एरिया में वो नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने, मध्य प्रदेश के सारे नेतृत्व ने, जिले बाई जिले, कॉन्स्टिट्यूंसी बाई कॉन्स्टिट्यूंसी अपने यहां से यात्रा शुरू की थी। मैंने भी अपने क्षेत्र में 2 दिन यात्रा चली और वो यात्रा हमने शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट को टेक ऑफ कर दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। आप खुद देख रहे होंगे कि जब से राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के इस तरह के एलिगेशन लगा रही है। उस समय जब उन्होंने शुरुआत कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ट्वीट करके कहा था कि ये राहुल गांधी तो बीच में यात्रा को छोड़ के भग जाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है उनको 73-74वां दिन है, राहुल गांधी जी पूरे हिम्मत के साथ डटे हुए यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस यात्रा से समूचे देश में एक नई ऊर्जा लोगों में आई है, और उसी ऊर्जा का प्रभाव है कि जब वो जिस रोड पर चलते हैं, जिस कस्बे से गुजरते हैं, जिस गांव से गुजरते हैं, लाखों की तादाद में जनता जनार्दन उनके पीछे उनका समर्थन कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लाखन सिंह यादव ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का भी असर होगा और जिस रणनीति के साथ कांग्रेस चल रही है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा होगा। लाखन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश में के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं लाखन सिंह यादव, एक युवा चेहरा हैं, और वो बात कर रहे थे आने वाले विधानसभा चुनाव के रणनीति और रोड मैप को लेकर। तो इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।